जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रुद्राक्ष धारण करने के 16 नियमों की। सावन के महीने में काफ़ी लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए सोमवार और शिवरात्रि के दोनों दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रुद्राक्ष धारण करने के कई लाभ होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष पहनने से पहले और बाद में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। रुद्राक्ष महादेव को अति प्रिय माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष को बेहद चमत्कारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं। रुद्राक्ष पहनने के अनेकों लाभ हैं, लेकिन ये लाभ फलित तभी होते हैं जब रुद्राक्ष को पूर्ण विधि और संपूर्ण नियमों के पालन के साथ धारण किया जाए। जानते हैं कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले और रुद्राक्ष धारण करने के बाद किन नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक माना गया है। रुद्राक्ष धारण करने के नियम। नंबर एक, रुद्राक्ष धारण करने के बाद रोजाना रुद्राक्ष मंत्र और रुद्राक्ष मूल मंत्र का जाप करना चाहिए। नंबर दो, किसी कारण से रुद्राक्ष को गले या हाथ से निकाला है तो उसे किसी पवित्र स्थान पर ही रखना चाहिए। नंबर तीन, रुद्राक्ष धारण करने के बाद किसी भी तरह का तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर चार, किसी की मृत्यु में जा रहे हैं तो रुद्राक्ष को धारण करके ना जाएं। नंबर पाँच, किसी बच्चे के जन्म के दौरान भी रुद्राक्ष धारण करना वर्जित माना गया है। नंबर छः, महिलाएं मासिक धर्म से पहले रुद्राक्ष को उतार कर पूजा स्थल पे रख दें। नंबर सात, बिना स्नान किए रुद्राक्ष को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर आठ, रुद्राक्ष धारण करते समय और करने के बाद निरंतर भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। नंबर नौ, रुद्राक्ष धारण करते हैं तो रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नंबर 10, रुद्राक्ष को हमेशा लाल या फिर पीले रंग के धागे में ही पहनें। नंबर 11, काले रंग के धागे में रुद्राक्ष पहनने से अशुभ प्रभाव देने लगता है। नंबर 12, खुद के द्वारा धारण किए हुए रुद्राक्ष को कभी भी किसी और को ना दें। नंबर 13, किसी और के द्वारा उपहार में दी गई रुद्राक्ष की माला को कभी भी धारण करने से बचना चाहिए। नंबर 14, रुद्राक्ष की माला पहनते समय उसके मानकों की संख्या विषम होनी चाहिए। नंबर 15, किसी भी कीमत पर पहने जाने वाली रुद्राक्ष की माला 27 मनकों से कम की नहीं होनी चाहिए। नंबर 16, रुद्राक्ष को सप्ताह में एक बार गंगा जल से शुद्ध जरूर करना चाहिए। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।